हाय फ्रेंड्स, रनिंग सिल्पेक्स यूट्यूब पे आप सभी को स्वागत है। फ्रेंड्स, आपका पीसी अगर पार्सल पॉप अप होते हैं तो आप कैसे उसे सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं देखने वाला हूं। और इस मेथड से सॉल्व होता कि नहीं है आप सिंपली देख लीजिए, और भी मैं मेथड बताऊंगा। हाँ, मैंने इसका आपका सामने देख रहे हैं, विंडोज सिस्टम 32 विंडोज पार्सल ए पॉपअप होने लगता है। कुछ आप ब्राउज़र कोई सॉफ्टवेयर यूज जब करते हैं तब जाके ये पॉपअप होते हैं। तो मैंने इसे एफएफसी स्कैन नाउ करके स्कैन शुरू कर दिया है, और अब देख रहे हैं स्कैन 100% कंप्लीट हो गया है। और इस मेथड से अगर काम नहीं होने के बाद भी, कंप्लीट होने के बाद भी ये पॉपअप शो हो रहा है, इस मेथड से कुछ काम नहीं हुआ है। और दूसरा मेथड हम देख लेते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट में मैंने माइक्रोसॉफ्ट क्या कहती है, इसका प्रॉब्लम का सॉल्व कैसे होगा मैं आपको देखना चाहता हूँ। आप ऐसे मेथड यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसका जो मेथड मैंने तो कंप्लीट कर लिया, अब आपको माइक्रोसॉफ्ट क्या कहती है आप थोड़ा देख लीजिए, इसका प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा। सेम वही चीज, विंडोज आर रन कमांड कहने के लिए कह रहे हैं। तीसरा, दूसरा आपका भी ऐसा प्रॉब्लम होते हैं तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। और भी एक ट्रिक मैं दिखाता हूँ कैसे आप करेंगे। उसके बाद आप एक बार ट्राई करके देखिए। और दूसरा हो गया, तीसरा ऑप्शन में आपको कंट्रोल प्लेन में जाता हूँ, कंट्रोल प्लेन में जाके फैक्ट्री ओपन करता हूँ। यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है देख लीजिए, पार्सल, इसे थोड़ा अनचेक कर लेता हूँ। ऐसी मेथड आप ट्राई कर सकते हैं, लगता है हो सर। इसके बाद हम रिस्टार्ट करेंगे, और अभी देख लेते हैं।
एक्सप्लोरर में जाके देख लेते हैं। फिलहाल तो नहीं हो रहा है, तो थोड़ा और कोई ब्राउज़र ओपन करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड अभी तो शो नहीं हो रहा है, लेकिन उसे तो हमने अनइंस्टॉल कर दिया है, बाद में हम इंस्टॉल करेंगे। स्टार्ट करने के बाद आप ऐसे मेथड आप यूज कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए। आपको धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।